हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेके रहे बहुत ही टेस्टी लाजवाब दम आलू। और ये चटपटा मसाले वाले दम आलू बना रहे हैं, बहुत ही टेस्टी लगती है ये। एक बार जरूर ट्राई करिएगा इस तरह से बनाने को, जो स्पेशल मसालों के साथ हम बनाने जा रहे हैं। और बहुत ही ईजी है, इसे आराम से आप घर पे बना सकती हैं। तो आपको ये वीडियो बहुत पसंद आने वाला है, तो लाइक का बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। और जो फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जो भी वीडियो लाए सबसे पहले आप तक पहुँचेंगे। और अपनी फैमिली और फ्रेंड को जरूर शेयर कर दीजिएगा। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे पेज को फॉलो कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। अब हम मैंने छोटे छोटे बिल्कुल आलू ले लिए हैं, इस तरह से मैंने बॉईल कर लिया था और छिलके निकाल दिए इन्हें। ये देखिए इतने छोटे छोटे हमें लेना है। इन्हें फोक से इस तरह से हम छेद कर लेंगे थोड़ा सा। इसे फ्राई करेंगे और मसाले काफ़ी अच्छे से इनके अंदर चले जाएंगे। अब सभी आलू को हमें इसी तरह हम कर लेना है। ये बहुत ही टेस्टी लगती है, इस तरह जरूर बनाइएगा एक बार, बहुत पसंद आएगा आपको। देखिए मैंने सभी आलू को इस तरह से हमने कर लिया है। अब कुछ मसाले हैं, ये देखिए मैंने एक चम्मच में सौंफ, एक चम्मच धनिया, आधा चम्मच जीरा ले लिया, लहसुन और अदरक है। अब इन्हें हम ग्राइंड करेंगे, तो मिक्सर में डाल देते हैं इन्हें और थोड़ा सा पानी डाल के इन्हें दरदरा ही हमें पीस लेना है। अब हम कढ़ाई में तेल डाल देंगे, तेल अच्छे से गर्म हो जाए पहले, फिर इसमें हम आलू डाल देंगे और इन्हें अच्छे से फ्राई कर लेंगे हम। ये देखिए कितने अच्छे से फ्राई होते जा रहे हैं ये। मैं थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन करना है और ये देखिए कितने अच्छे से ब्राउन होते जा रहे हैं। देखिए इस तरह से हम आलू फ्राई कर लेंगे और फिर इन्हें हम निकाल लेंगे। और ये देखिए काफ़ी अच्छे से हो चुके हैं, अब इन्हें हम निकाल लेते हैं। अब इसी तेल जो एक्स्ट्रा था वो तेल निकाल दिया, दो चम्मच से तेल हमने रख दिया है। दो लाल मिर्च, काली मिर्च, दो छोटी इलायची और तेज़पत्ता में हम डाल देंगे, तेल गर्म अच्छे से हो जाए। अब इसमें हम थोड़ा सा हींग भी डाल देते हैं, हींग डाल देंगे, अच्छे से हो जाए ये। फिर इसमें हम प्याज को डालेंगे, तो एक हमने प्याज छोटे छोटे पीसों हमने कटा हुआ है वो हम डाल देते हैं। इन्हें हल्का सा गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। ये गोल्डन ब्राउन हो चुके अच्छे से, गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब इसमें हम जो दरदरा मैंने मसाले पीसे थे वो हम डाल देते हैं। इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है ये इसमें से, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। इन मसालों के साथ बनाइए, बहुत पसंद आएगा आपको। अब हम दो टमाटर डाल देंगे इसमें, इन्हें भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए एक मिनट मैंने भून लिया, तो कितने अच्छे से मसाले भून चुके हैं, तेल भी ऊपर आने लगे हैं ये। अब इसमें पीसे हुए मसाला डाल देते हैं, तो एक चम्मच हम लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हम हल्दी पाउडर और नमक स्वादानुसार डाल देंगे। अब इसमें हम डाल देते हैं कश्मीरी मिर्च, जिससे बहुत ही अच्छा कलर हो जाता है और तीखा नहीं होता है ये। इन्हें भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसालों को। ये बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से, मसालों में से। और अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं, अच्छे से इन्हें मिक्स करके हम। और 3 से 4 मिनट के लिए अच्छे से ढक देंगे, जिससे मसाले अच्छे से पक जाएंगे आपके। इन्हें ढक देते हैं हम और 5 मिनट बाद हम खोल रहे हैं इन्हें। और देखिए तेल कितने अच्छे से ऊपर आ गए हैं बिल्कुल, और मसाले भी बहुत अच्छे से भुन गए हैं ये। इन्हें अच्छे से चला लेते हैं एक बार।
ये देखिए मसाले बहुत अच्छे से हो गए हैं ये। बहुत ही टेस्टी लगती है ये दम आलू, एक बार जरूर ट्राई करिएगा। अब हम थोड़ा एक गिलास हम पानी डाल दे रहे हैं जिससे ग्रेवी बहुत ही अच्छी बन जाती है इससे। अब इसमें हम आलू को भी डाल देते हैं। अब इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम और 2 मिनट के लिए फिर से हम ढक देते हैं इन्हें, जिससे आलू में भी मसाले अच्छे से आ जाएं। 2 मिनट बाद में खोल देते हैं और ये देखिए कितने अच्छे से हो गए हैं ये, ऊपर तेल भी आ गया है और काफ़ी अच्छे से बॉईल भी हो गए हैं ये। इन्हें अच्छे से चला लेते हैं अब हम। अब इसमें हम मलाई डाल देते हैं, घर पे जो दूध में से मलाई निकालते हैं हम लोग वो हम डाल देते हैं। 1 से 2 चम्मच हम इसमें मलाई डाल देते हैं, अच्छे से मिक्स कर लेंगे इन्हें में। अब इसमें हम गरम मसाला डाल देते हैं 1 चम्मच के लगभग और धनिया, हरा धनिया काट के डाल देते हैं, अच्छे से इन्हें चला लेते हैं हम। अब 1 मिनट के लिए अच्छे से इन्हें ढक देते हैं, सिर्फ 1 मिनट से भी कम हम ढकेंगे और ये देखिए कितने अच्छे से हो गए हैं ये। और ये आपका ये दम आलू बिल्कुल रेडी हो चुका है। हम गैस को ऑफ कर देंगे अब हम, अच्छे से इन्हें चला लेते हैं अब हम। और ये देखिए कितने टेस्टी लग रहे हैं ये और बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी दम आलू बने हैं। एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत पसंद आएगा। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये कैसा लगा और अपनी फैमिली और फ्रेंड को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा क्योंकि बहुत पसंद आएगा उन्हें। और लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। अब इन्हें हम प्लेट में निकाल देते हैं। और ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं, बहुत ही चटपटा और स्वादिष्ट ये दम आलू बने हैं ये। हम डेली वीडियो लेके आते रहते हैं नई नई, और जो बहुत ही ईजी और आसानी से जो घर पे बन जाते हैं वो हम लेके आते हैं। तो आप डेली जरूर देखिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।